नमस्कार। सबसे पहले आप सबका फ्लुएंट अंग्रेजी बोलने के लिए निर्णय का मैं प्रोफेसर राजेश बोरे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी सर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हो सके यह फैसला आपका खुद का हो या किसी आपका भला चाहने वालों ने किया हो, लेकिन इससे आपका अच्छा ही होने वाला है। आपको अंग्रेजी के ज्ञान में आज से कुछ फायदा हो, इसके लिए मेरे कुछ पुराने अनुभव से मैंने जो मेरे खुद के इस दिशा में तरीके बनाए हैं, उनका अगर सही तरह से पालन करोगे, निरंतरता बनाए रखेंगे और फैसला लोगे कि मुझे इस कोर्स की सहायता से अंग्रेजी बोलना ही है, तो दुनिया की कौन सी ताकत आपको अंग्रेजी में बोलने से रोकेगी नहीं। हमें यह पता होना चाहिए कि हम हमारे मातृभाषा में क्यों आसानी से बोलते हैं, क्योंकि हमें जो भी बोलना होता है वह हमारे दिमाग में पहले उसका वाक्य तैयार होता है और हम उसी वक्त उसे बोलते हैं। इसमें हमारे दिमाग में वाक्य तैयार होना और उसे मुंह से बाहर निकालना, इन दोनों में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। मगर कोई विचार हमें अंग्रेजी में बोलना होता है तो उसका पहले स्टेप में हमारे दिमाग में मातृभाषा में वाक्य तैयार होता है। दूसरे स्टेप में उस वाक्य में आने वाले हमारे मातृभाषा के शब्दों को अंग्रेजी में शब्द याद करने में वक्त जाता है। तीसरे स्टेप में उस अंग्रेजी शब्द में उनका अंग्रेजी में वाक्य बनाने में वक्त जाता है। चौथी स्टेप में वह वाक्य बोलने की हिम्मत भी जुटाना पड़ता है। इधर उधर से हिम्मत जुटाई तो भी पांचवी स्टेप में अंग्रेजी उच्चारण के लिए हमारी जुबान ने भी साथ देना जरूरी है। इन सब समस्याओं को लगने वाला वक्त जैसा जैसा हम कम करेंगे, वैसे वैसे हम अंग्रेजी आसानी से बोलते जाएंगे। और यह सब समस्याओं को निवारण करने तक धैर्य बनाए रखना, यही फ्लुएंट अंग्रेजी बोलने का राज है। मित्रों, अंग्रेजी एक इंटरनेशनल यानी देशों विदेशों में बोलने वाली भाषा है। इंटरनेट पर जितनी जानकारियाँ अंग्रेजी में है उतनी दूसरी भाषा में नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं सोचना कि हिंदी मराठी ऐसी अनेक भाषा जरूरी नहीं, क्योंकि यह भाषा ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति है। यह अंग्रेजी तो हम अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम कहीं जब अपना कवरेज एरिया छोड़ के बाहर निकलेंगे तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आजू बाजू में लोग आपको घेर लेंगे और कहीं आपको नजर झुकाना या भागना पड़े तो भागने का मौका ना मिले। उस वक्त लोग जब आपको अंग्रेजी में बोलेंगे तो उसका जवाब अंग्रेजी में देना होगा और हिंदी का हिंदी से, क्योंकि जैसे हम एग्जाम को जाते हैं तो दो पेंस लेकर जाते हैं ताकि एक नहीं चला तो दूसरे को चलाएंगे। उसी तरह यह नहीं सोचना कि मैं कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ने तो जा नहीं रहा, मैं तो खेती में काम करता हूँ, बिजनेस करता हूँ या मुझे अच्छी खासी नौकरी मिली है, अब मेरे भाषा के अलावा अंग्रेजी की ज़रूरत नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जब अंग्रेजी का सामना करना पड़ेगा, क्या फिर उस वक्त शुरुआत करेंगे? तो हर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कितना ज़रूरी है यह आपको पता होना चाहिए। और पता होना चाहिए कि किताबों के बाहर भी अंग्रेजी होती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक जो अंग्रेजी पढ़ी उससे अगर हम बोल नहीं पा रहे हैं तो आज से जो जिस तरह पढ़ेंगे वह ना तो सिर्फ बोलने के लिए है बल्कि आपके हर तरह की पढ़ाई में और जहाँ चाहे वहाँ काम आएगी। लेकिन आपको संकल्प आज से ही करना होगा कि अब मैं लंबी रेस की घोड़े की तरह रुकूंगा नहीं, जितना जब तक प्रयास करता रहूंगा उतना फ्लुएंट बनूंगा। लेकिन मैंने बहुत से माध्यम तरीके खोजे ताकि हर कोई आसानी से अपनी मातृभाषा या नेटिव जैसी अंग्रेजी बोले, पर कोई फायदा ना मिला। क्योंकि मित्रों, जहाँ अच्छे बनने में लोगों की ज़िंदगी चली जाती है वहाँ ऐसे शॉर्टकट तरीके कहाँ काम आएंगे, आप ही बताइए। इसलिए सफलतापूर्वक परिणाम के लिए तुरंत ही अपने साथ अपने मित्र रिश्तेदार rajeshbhore.com यह वेबसाइट रजिस्ट्रेशन के साथ अच्छी शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वेल बिगन इज हाफ डन यानी अच्छी शुरुआत आधी सफलता होती है। धन्यवाद।